नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं ब्रेकिंग बैक टू बैक। और ब्रेकिंग बैक टू बैक में सबसे पहली बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अलीगढ़ जहरीली शराब कांड का मामला, 50,000 के इनामी की तलाश हुई तेज, शराब माफिया ऋषि शर्मा की तलाश तेज, चार राज्यों में तलाश कर रही 6 सदस्यीय टीम, यूपी दिल्ली हरियाणा और राजस्थान में तलाशी जा रही। अब तक 33 अभियुक्तों की हो चुकी है गिरफ्तारी। तो अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी ऋषि की गिरफ्तारी को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 50,000 का इनाम ऋषि शर्मा पर घोषित किया गया है। चार राज्यों में तलाश कर रही है 6 सदस्यीय टीम, यूपी दिल्ली हरियाणा और राजस्थान में तलाशी जारी। 33 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। बता दें इसमें पुलिस पर भी कार्रवाई की गई है, कई अफसरों को निलंबित किया गया है और कई पर अभी जवाब तलब के लिए उन्हें बोला गया है। वहीं ऋषि शर्मा जिस पर 50,000 का इनाम घोषित है उसे चार राज्यों के द्वारा तलाश किया जा रहा है। वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, कल से मिलेगा निशुल्क राशन। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलेगा राशन, 3 जून से 15 जून तक किया जाएगा वितरण। वितरण सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक होगा। तो अब अनाज वितरण का काम तेजी से बढ़ाया जाएगा। निशुल्क राशन देने का जो ये कार्यक्रम है ये चला जाएगा पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। 3 से लेकर 15 जून तक अनाज वितरण किया जाएगा और ये वितरण का कार्य सुबह 6 बजे से शुरू होगा, रात के 9 बजे तक जारी रहेगा। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की मिर्जापुर से सामने आ रही है, कोरोना से 5 साल के बच्चे की मौत, कोरोना काल में बच्चे की मृत्यु का पहला केस। कोरोना से पीड़ित बच्चा बीएचयू में भर्ती था, बच्चे की मृत्यु से लोगों में बड़ी बेचैनी, कोरोना की तीसरी लहर में विशेषज्ञों का अनुमान, बच्चों के लिए घातक हो सकती है तीसरी लहर। तो तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक, ये लगातार विशेषज्ञों की तरफ से जानकारी प्राप्त हो रही थी। वहीं अब मिर्जापुर में ऐसा पहला केस सामने आया जिसकी वजह से, कोरोना की वजह से जहां एक 5 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो कहीं ना कहीं अभी तक ये था कि बच्चों में ये इतना घातक नहीं है कोरोना, लेकिन जिस तरह से अब बच्चों की मौतें कोरोना के चलते हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा रहा है। और विशेषज्ञों की जो चिंता थी और जो अनुमान था उसे सिद्ध करने के आगे अग्रसर हो रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। इसको लेकर भी कई तरह के जो विमर्श और चिंताएं हैं वो लगातार जारी है। 5 साल के बच्चे की कोरोना से मौत हुई है मिर्जापुर में। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की, गोंडा में गैस सिलेंडर ब्लास्ट का मामला, सीएम योगी ने हादसे पर जताया गहरा दुख, सीएम ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश, राहत एवं बचाव कार्य पूरा करने के भी दिए निर्देश, घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो गोंडा में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है, साथ ही साथ निर्देश पारित कर दिए हैं कि इस पर उच्च स्तरीय जांच की जाए। वहीं राहत बचाव कार्य भी पूरा करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा पारित कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी, मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर का बयान, पार्टी के कार्यक्रम को लेकर बात हुई, कोई समस्या नहीं बताई ना पूछा गया, हीरो वाजपेयी मनीष शुक्ला से करेंगे मुलाकात, मीडिया कोऑर्डिनेशन बैठक के लिए बुलाकर। तो लगातार पीएल संतोष के आने के बाद से लगातार जो बैठकों का दौर है वो तो जारी है। इसी को लेकर मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर भी पहुंचे थे। वहीं बाद में निकलने के बाद जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं बताई गई ना ही पूछा गया है, ये आधिकारिक जो
पार्टी बैठक है वो हुई है, जिसको लेकर चर्चा की गई, फीडबैक लिया गया है। वहीं लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है। उसके बाद मीडिया कर्मियों से, बीजेपी के जो मीडिया टीम है उससे भी रूबरू होंगे बीएल शर्मा। वहीं अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर, सिपाही ने महिला अधिवक्ता के साथ किया दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर लंबे समय तक किया दुष्कर्म, महिला का 2 माह का गर्भपात कराने का आरोप, अविवाहिता बताकर महिला को प्रेम जाल में फंसाया, सिपाही के भाई भाभी महिला को दे रहे थे धमकी। तो अमरोहा में बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सिपाही ने एक महिला अधिवक्ता के साथ दुष्कर्म किया, शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, हालांकि खुद को अविवाहित भी बताया गया। वहीं इस पूरे मामले पर अब सिपाही के भाई और भाभी लगातार महिला को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसपी लखनऊ मंडल में बड़ा बदलाव, मुख्य सेक्टर प्रभारी जिलाध्यक्ष बदले गए, इंतजार आबदी उर्फ बॉबी को जिम्मेदारी दी गई, 2022 चुनाव को लेकर किया गया फेरबदल, लखनऊ मंडल के जिलाध्यक्षों के नाम घोषित, बीएसपी ने 6 सेक्टर प्रभारी नियुक्त किए गए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, 2022 के आने वाले चुनाव को लेकर सुगबुहाहट तेज हो गई। इस बीच बीएसपी लखनऊ मंडल में कई तरह के फेरबदल किए गए हैं, मुख्य सेक्टर प्रभारी जिलाध्यक्ष बदले गए हैं, इंतजार आबदी उर्फ बॉबी को जिम्मेदार ठहराया गया, 2022 चुनाव को लेकर ये फेरबदल किए जा रहे हैं, बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां प्रदेश भर में विद्युत कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन, फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने की कर रहे हैं मांग, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का ऐलान, मांगों को लेकर 3 से 5 बजे तक होगा प्रदर्शन, कोरोना से मौत पर मुआवजे की भी है मांग। विद्युत विभाग के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, बता दें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स की नियुक्ति दी जाए उसको लेकर ये मांग रखी गई है, घोषित करने को कहा गया है, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का ये ऐलान है कि उन्हें दर्जा दिया जाए फ्रंटलाइन वर्कर्स का, और मांगों को लेकर 3 से 5 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। तो अगली बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, प्रदेश भर में विद्युत कर्मचारी करेंगे अगली बड़ी खबर, लखनऊ से सामने आ रही है, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश, 9वीं 10वीं 11वीं के छात्रों को किया जाएगा प्रमोट, वार्षिक रिजल्ट के आधार पर किया जाएगा प्रमोट, सभी बोर्ड के स्कूलों के लिए जारी किए निर्देश। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आदेश पारित कर दिए गए हैं कि 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, सभी स्कूलों के लिए निर्देश पारित कर दिए गए हैं, वार्षिक रिजल्ट के आधार पर किया जाएगा प्रमोट। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से सामने आ रही है, श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, रेती में दफन शव गंगा नदी में समाये, जलस्तर बढ़ने से गंगा का कटान तेज, तीर्थ पुरोहितों को हटानी पड़ी चौकियां। तो प्रयागराज से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसकी वजह से रेती में दफन गंगा नदी में समाये शव, जल स्तर बढ़ने से गंगा का कटान भी तेज हो गया है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है,
कम। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 122 रुपए सस्ता, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं। लगातार तीसरे महीने भी कोई बदलाव नहीं। अब 1566 में मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, 122 रुपए सस्ता कमर्शियल सिलेंडर के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं घरेलू गैस के दामों में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। निरंतर तीन महीने तक कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो दाम है वो जस के तस बने हुए हैं। पांच मिनट के ब्रेकिंग बैक टू बैक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।